कोरोना की जंग में रिटायर सेना के रिटायर मेडिकल स्टाफ भी को लगाया जाएगा वैक्सीनेशन और अभियान को तेज करने की भी कोशिश की जा रही है। और कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज कहां 14 दिनों का कर्फ्यू या फिर वहां पर लगाया जा रहा है लॉकडाउन, ये देखिए हारेगा कोरोना टॉप 9 में। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अब सेना से 2 साल पहले रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को बुलाने का फैसला किया है। सेना से रिटायर्ड डॉक्टरों को कोविड सेंटर में तैनात किया जाएगा। कल पीएम मोदी और सीडीएस जनरल विपिन रावत की मुलाकात में सेना की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसी बीच लखनऊ में डीआरडीओ का 600 बेड वाला अस्पताल जल्द तैयार होने वाला है। कोरोना के विकट काल में सेना मदद के लिए कई राज्यों में मोर्चा संभाल चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने से लेकर कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाने तक में सेना हाथ बटा रही है। पंजाब के पटियाला में सरकारी राजेंद्रा अस्पताल के कोविड वार्ड में सेना के 30 जवान और मेडिकल स्टाफ मरीजों की सेवा में लगे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सोमवार को पूरे देश में 31 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 1 मई से 18 साल और इससे ज्यादा उम्र वालों को भी टीके लगने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र ने वैक्सीनेशन में सोमवार एक कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में कल एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्द ही हम अपने राज्य के 1.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुके होंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य की पूरी मशीनरी को मुबारकबाद दी है। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हरिद्वार के भेल ने 2 ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। भेल ने दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। भेल के 2 प्लांट में रोजाना 24,000 क्यूबिक लीटर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। भेल से हरिद्वार को भी हर दिन 400 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन की सेवा को भी बंद कर दिया गया है। राज्य में 2 दिन में 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अब पंजाब में भी हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले रात का कोरोना कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का था। इसके साथ ही अब हर शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। यहां 120 बेड लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 23 अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जहां 1700 बेड की व्यवस्था होगी। इन 23 अस्पतालों में से 15 श्रीनगर और जम्मू में 8 अस्पताल बनाए गए हैं। कोरोना को मजबूत हौसले से ही हराया जा सकता है, इसकी मिसाल मुंबई के घाटकोपर की रहने वाले 75 साल की बुजुर्ग महिला शैलजा नाकवे ने पेश की है। कोरोना को अपने हौसले से हराकर अस्पताल से घर लौटी शैलजा का जब सिटी स्कैन हुआ था तो लंग्स पूरी तरह संक्रमित हो चुका था और ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। घर लौटने पर परिवार ने केक काटकर खुशी मनाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।